चलाता पज च बना ला नहीं चलाता। हाँ जी सत श्री अकाल सारे भैन भरावां नूं, तुहानूं पता ही है जिहड़ा साडा इत्थे अंदोलन धरना पक्का चल रहा पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड मूहरे, कल भी असीं इत्थे सीगे ते अज भी इत्थे आ। अज सरसा साहब अंदर मीटिंग करके आए ने, उहदे बारे दस्सणगे वी की गल्लां होईआं नेगीआं। 28 तरीक वाले दिन नौजवानों नूं मैं दस्सणा चाहुंदा उह प्रोग्राम दीआं सारीआं तैयारियां हो रहीआं ने, वड्डी गिणती दे विच तुसीं इत्थे पहुंचो ते जिहड़ा अज जो गल्लां बातां होईआं ने कल वालीआं तुहानूं सारीआं दस्स दित्तीआं सी, जो अज गल्लां होईआं ने सरसा साहब अंदर मीटिंग करके आए ने उह तुहानूं दस्सणगे। हाँ जी खालसा वाहे फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। जी बेनती है कि सब तो पहला तो मैं सारू यही बेनती करांगा कि 28 फरवरी दिन सोमवार 11 बजे तो पहला पहला पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के चेयरमैन के दफ्तर अगे जिथे लगातार 20 दिन तो धरना चल रहा है, ये धरना गुरद्वारा अंब साहब मोहाली के गुरद्वारा जो इतिहासक गुरद्वारा अंब साहब है जिन्हों सारे तुसी जानते हो, अंब साहब के बिल्कुल थोड़ा जा अगे उत्थे ये पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड चेयरमैन का दफ्तर है, तो उत्थे धरना चल रहा, तो उत्थे असी एक कॉल दी है कि तुसी वध तो वध इत्थे पहुँचने की कृपालता करो क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है तो लंबी है, जिन्ना चिर तुसी इत्थे नहीं आउंदे इकत्र नहीं होंगे अपनी गिनती नहीं वधाउंदे उन्ना चिर सरकार यह समझती आ, प्रशासन यह समझदा भी ये कला इतने बैठा जां पांच दस बंदे दे नाल बैठे ने तो की फर्क पैना, सो इस करके सब तो पहला तो मेरी यही बेनती है कि वध तो वध इतने पहुँचने की कृपालता करो 28 फरवरी दिन सौ। अगली गल जिहड़ी पुछी गई पुछा गया कि की करके आए हैं, अज तुहानूं मैं दसना चाहुंदा कि जिहड़ी MS मान दी हिस्ट्री ऑफ लिखी हुई किताब प्लस टू के बच्चों जिहड़ी पढ़ाई जा रही है, जिहड़ी मेरे को 2017 की रिकमेंड की हुई पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों, वह मैं कापी एक मिली सी और उहदे खिलाफ मैं एप्लीकेशन दित्ती, तो जदों एप्लीकेशन दित्ती तो 7 तरीक नूं पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का चेयरमैन योगराज और उहदा सारा अमला फैला 7 फरवरी नूं जदों असीं इत्थे धरना आके लाया तो उन्होंने अंदर बैठ के साडे नाल गलबात की, अंदर मीटिंग वास्ते बुलाया, मीटिंग हो दसो की चाहुंदे हो, मैं कहा भी आ कुछ है, कहिंदा जी इस किताब नूं तुसीं प्रवानगी दित्ती ही नहीं, MS मान नूं तो प्रवानगी नहीं दित्ती, और हैरान हो गए तुसीं कि जदों उन्होंने वह कहन लगे जी असीं तां इह जिहड़ी किताब है ये किताब के उत्ते 2017 के रोक लाती है, असीं आख्या तुसीं लैटर विखा दो जी तो रोक लाई है, उन्होंने वो फाइल लैन दी, वो फाइल जदों लिया के सानू विखाई तो उस फाइल के विचों ही असी उन्होंने वो जिहड़ा प्रवानगी वाला लैटर सी वो विखाता भी आ वेखो, और तुसीं हैरान हो गए कि जिहड़े कहिंदे सी प्रवानगी दित्ती उदन 9 सालां दी प्रवानगी जिहड़ी आ वो सानू मिल गई, और अज जदों उत्थे आए हाँ तो जिहड़ा पब्लिशर है वह कहन लगा भी ये जी असी जिन्नियां भी किताबां हुण तक पब्लिश कीतियां ने एडिशन निकले ने सारे प्रवानगी नाल, किन्ने ने कहिंदा जी 1997 तो, हुण तुसीं अंदाजा लाओ कि जिहड़ियां किताबां ये पढ़ाईयां जा रही ने ये कदों तो, सो अगे पड़ताल जिहड़ी चल रही आ कुछ गल्लां ऐसियां ने कि जिहड़ियां असीं अजे पड़ताल दियां दस नहीं सकते क्योंकि सीक्रेट रखनियां पैणगियां, पड़तालिया अफसर जिहड़ा उहदे वास्ते कोई मुश्किल ना आवे, पर यह गल जरूर है कि तुसीं ये देख लो कि जिहड़े कहिंदे सी असीं प्रवानगी नहीं दित्ती ये 1997 तो लैके अज किन्ने साल 24 साल तो ये किताबां जिहड़ियां MS मान दीआं लिखीआं होईआं ये स्कूलों पढ़ाईया जा रही और अज भी पढ़ाईया जा रही ने, इन्हें रोक लाने तो बाद भी यह किताबा पबलिश हो रही ने पढ़ाईया जा रही ने, इस तो अगे मैं तुम्हें दसागा कि अगे की कार्रवाई होंगी है वो जिन्हें चर पड़ताल चल रही है सारिया गल् नहीं कर सकते बिल्कुल जी बिल्कुल, फिर तुम अगली गल जी दसी जावे।
पर यह तुम्हें दस दें कि 24 साल तो किताबा पढ़ाई जा रही ने जो पंजाब 1997 अपने आप पंथ का वाहिद मालक दसन वाला आ प्रकाश सिंह मालक थोड़ा जहा दस दो किताबों के द्वारा भी दस दो आप रोज ही दस दें एक दो गल बस दस दो भी प्लस टू के थोड़िया जी गल दस दो बस क्योंकि नवे लोग जुड़ते हैं कितने जी गल है ठीक है बिल्कुल दसना जरूरी है इन्होंने किताबों के जो लिखा है वो ये आ कि श्री गुरु नानक देव जी ने कोई वक्रा धर्म नहीं चलाया श्री गुरु नानक देव जी ने किसी हिंदू रीति रिवाज का विरोध नहीं किया तो अज भी गल हूँ उत्थे हुई जे हिंदू रीति रिवाज का विरोध नहीं किया तो यह तो दस दौ भी श्री गुरु नानक देव जी ने जनेऊ क्यों नहीं पाया ये दसो कि श्री गुरु नानक देव जी ने जो उ गंगा गए ने हरिद्वार उ गए तो सूरज में पानी पाया जा रहा पांडे सूरज में पानी पा रहे हैं इन्होंने करतार पछम नालू पानी पाया करतारपुर को पा शुरू किया तो वो जो पूछा भी तुम इधर क्यों पा रहे कहते मेरी फसल सुकती है तो इन्होंने जो मजाक किया भी तेरी फसल जी ये पानी पहुँचू वो कहते गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिता जे तुहाडा पानी आ सूरज ते पहुंचू ते मेरी फिर भी पानी जड़ा नवाण वाल जाना है मेरा पानी उधर फसल नहीं लगूगा सो उन्होंने की विरोध नहीं सो उन्होंने होर बहुत कुछ जड़ा विरोध किया जड़ा आसा की वार सी गुरु नानक पातशाह की बाणी पढ़ दिया फिर कहिंदे उन्होंने ग्रंथी कोई नहीं रचा फिर वह गल कहिंदे ने कि श्री गुरु तेग बहादुर जी जड़े ने ये जदों बंगाल तो वापस आए तो यह विद्रोही हो इन्होंने फिर उत्थे हांसी ते जिहड़ा सतलुज दरिया इहदे अंदरले इलाके दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते गदर मचाउणा शुरू करता उन्होंने लुट्टां कोहां डकैतियां कतलोगारत शुरू करती ते फिर उन्होंने गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले च बंद किया गया उस तो बाद उन्होंने शरीर के चार टुकड़े करके तो ग्वालियर के किले के चौ दरवाजे ने टंगे गए ये उस किताब च अगे लिखा कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिहड़ी खालसे की सिरजना की जट बरादरी नूं नाल रखण वास्ते की क्योंकि जट जिहड़े ने सुभा दे बड़े लड़ाके ने अणखीले ने योधे ने ते गुरु साहब ने अपने पिता का बदला लेना सी जिस करके उन्होंने जट बरादरी नूं नाल रखण वास्ते जिहड़ा सी उह खालसे की सिरजना की जदों कि पंज प्यारे जिहड़े साझे सन जदों खालसे की सिरजना की कित्थों कित्थों सन कंडियां बरादरियां दे सन सो एडा वड्डा नर्थ अगे होर सुन लो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर बारे लिखा कि औरतां दीआं इज्जतां लुट्टण वाला ते मजलूमां दा खून चूसन वाला एक राक्षसी ए है उन्हां किताबां दे विच सिरसा साहब तुसीं की समझदे जी इहदी साजिश की है असल साजिश बड़ी स्पष्ट है मैं तो उस दिन तो ही कहिंदा आ रहा कि गुरु नानक पातशाह दे समय ते जिन्हां लोकां ने उस टाइम ते विरोध किया गुरु नानक पातशाह दा उदों तो विरोध होण लग गया और गुरु नानक पातशाह ने इस मात लोक दे उत्ते जदों आए तो उन्होंने जो दुनिया की हालत देखी तो फिर उन्होंने बाबर नूं जाबर किया और इतों तक कि अकाल पुरख ने भी किया एती मार पई कुरलाने तैं की दर्द ना आया उस तो बाद गुरु नानक पातशाह तो लैके दसे गुरु साहिबान उस तो उपरंत समय समय साढ़े जड़े बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे बाबा दीप सिंह वर्गे भाई मती दास जिन्हें भी शहीद होए ने एक नहीं इस समय के संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले उन्होंने भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्होंने भी टैंकों के तोपों के नाल उड़ा द उस जगह नूं उड़ा दिता किस तरह शहीद किया गया और अज तुसीं वेखो कि आ जिहड़ा किसान अंदोलन चलिया वह भी पंजाब तो चलिया ते इन्हां लोकां नूं जिहड़े उस टाइम दे उत्ते पंडे सी अज ये RSS दे नां नाल जाने जांदे उन्हां लोकां नूं ये आ दिल्ली तख्त ते बैठे हकूमत करन वाले चाहे वह मोदी दे रूप विच है ते चाहे इंदिरा दे रूप च सी वह भी तां पटराणी इत्थे राज कर गई है ना उन्हें की कुछ किया ते पर ये भी गल नाल है कि
कि एल के अडवाणी ने यह गल कही सी कि इंदिरा जी अकाल तख्त से फौजी हमला नहीं सी करती, तो असी कह के करवाया। ये आर एस एस की कागजारी आ, ये पंजाब नू खत्म करना चाहते आ, भी जिस कौम नू खत्म करना पे इतिहास खत्म कर दो, कौम अपने आप खत्म। इस करके ये पिछे एक सोची समझी बहुत वड्डी साजिश उन्हां लोकां दी आ जिहड़े हुण तक गुरु नानक पातशाह तो लैके इस इतिहास नू खराब करदे रहे, ते अज भी जिहड़े ये पंजाब दे दुश्मन जिहड़े ने उही लोक ने जिहड़े कि अज आर एस एस दे रूप च ने। सिरसा साहब, जिहड़ा 28 तरीक नू प्रोग्राम हो रहा, उहदी रूपरेखा की होवेगी? देखो जी, बहुत स्पष्ट है, बेनती की जाती है कि सानू 20 दिन हो गए ने अजे तक ये सरकार दे कन ते जो नहीं सरके, लेकिन उन्होंने जो कोई साड़ी गल ना सुनी तो फिर असी थोड़ी जी झूड़ी कसी, आ गेट बंद किए तो एस डी एम आ गया। ये 28 की कॉल इस करके दी आ कि एक तो लोगों को पता लगे इत्थे पहुंचन सरकार दे उत्ते दबाव बने, प्रशासन ते दबाव बने इस चीज़ का कि ये जिहड़े बैठे ने इत्थे बड़े अहम मसले ते बैठे आ, इन्हां दी गल सुनी जावे, ते आम जिहड़ा सिख जगत आ जां जिहड़े हिंदू वीर ने जिहड़े गुरु नानक पातशाह दे नक्शे कदम चलते ने, गुरु नानक पातशाह नूं अपना रहबर मंगते ने, मुसलमान भी जिहड़े ने उह अपना रहबर मन्नदे आ, इस तरह होर भी जैनी बोधी गुरु नानक पातशाह के जिहड़े उपाशक ने उन्होंने पता लगे। इस करके कॉल दी आ कि 28 फरवरी दिन सोमवार समा 11 बजे तो पहला पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के दफ्तर जो चेयरमैन का दफ्तर है वो अगे पहुँचने की कृपालता करो, ताकि असी सारे एक आवाज़ हो। जी सिरसा साहब, अच्छ मीटिंग हुई है, उस एडमिन के किड़े किड़े बंदे सी गलबात?